वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अमेरिका की फार्मर मार्केट। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर। ये है अमेरिका का संडे बाजार, ये फार्मर मार्केट के नाम से जाना जाता है। ये हर संडे को लगता है। यहाँ पे अलग अलग स्टेट से, अलग कंट्रियों से लोग आके अपनी कंट्री के, मतलब जैसे फूड वगैरह डिफरेंट चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, आप वो खरीद सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये अभी अंकल हैं, ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे गाना बजा के लोगों का एंटरटेन कर रहे हैं। तो आप इनका थोड़ा सा गाना सुनिए, मज़ा आएगा। और ये देखिए, ये फार्मर मार्केट में, अभी अंदर जाने से पहले मैं आपको ये आसपास में फार्मर मार्केट के, हर संडे को ऐसे लोग आते हैं, जैसे ये अपना एक अजगर सांप लेके खड़ा हुआ है, ये देखिए लोग ऐसे टच करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और ये $5-10 इसको देके चले जाते हैं। तो ऐसे करके इसकी भी कमाई हो जाती है और लोगों को ऐसे देखने को मिल जाती हैं चीज़ें। और ये इसी का ही बच्चा है, ये इसका बेटा है, ये देखिए इसके कंधे पे इसको, ये मतलब छिपकली है मगर इसको इगवाना बोलते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो जाता है ये। तो ये देखिए, तो लोग क्या करते हैं, इनको टच करते हैं और इनको ऐसे पैसे देके चले जाते हैं, ये इनका काम है। जैसे लड़की देखो थोड़ा डर भी रही है मगर कोशिश कर रही है वो इसको टच करने की, अब डर गई है लड़की तो बिल्कुल। मगर कुछ भी हो, जानवर जानवर होता है, तो कभी भी जानवर कुछ भी कर सकता है। कभी भी आप लोगों को बोलूँगा, ऐसे किसी के पास भी कुछ भी हो, सांप है कुछ भी है, तो थोड़ा सा बच के ही रहो, थोड़ा दूर ही रहो। तो मैं दूर ही रहता हूँ इन चीज़ों से, मेरे को डर लगता है। ये देखिए और भी क्या क्या लोग लेके बैठे हुए, कितना बड़ा इगवाना है, मैंने तो यही सुना है इसका नाम इगवाना ही बोलते हैं यहाँ पे, जैसे ये बता रहे हैं। स्नेक्स वगैरह, ये देखो कितने 3 सांप लेटा रखे हैं इसने, एक सांप का बता रहा है ये कुछ शायद 20 साल, मतलब 20 साल का हो रखा है सांप, इसने नाम रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेते हैं इन्हीं से ही लोग, इनको 5-5, $10-10 दे जाते हैं, ये दिन के काफ़ी अच्छे पैसे जोड़ लेते हैं अपने इन्हीं चीज़ों से। और ये देखिए, अब ये यहाँ से चालू होती है फार्मर मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट से भी लोग अपना फूड लेके आते हैं यहाँ पे, और ज़्यादातर ये फूड के लिए ही मशहूर है मेरे यहाँ पे। ये वाली जो फार्मर मार्केट है ओरलैंडो डाउनटाउन में है, तो ये फूड के लिए बहुत मशहूर है। वैसे अलग अलग कंट्रियों से लोग यहाँ पे लेके आते हैं अपना सामान और सेल करते हैं। जैसे मैंने एक बार पहले भी बनाई थी, कुछ 6 महीने पहले उसमें दिखाया था, काफ़ी इंडिया का भी सामान था और काफ़ी एक बंदा आया हुआ था कोई साउथ अफ्रीका से, तो ऐसे ऐसे करके मेरे को काफ़ी सारे मिले थे। तो आज मैं इसमें कोशिश करता हूं आप लोगों को दिखाने की कि कौन कौन सी कंट्रियों से आए हुए हैं। तो अभी हम आगे चलते जाएंगे और आपको दिखाता जाऊंगा। ये देखिए, ये जो आइसक्रीम है, ये बता रहे हैं कि हैंडमेड आइसक्रीम बनाते हैं ये लोग, तो ये इधर सेल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें फार्मर मार्केट में ज़्यादातर हैंडमेड होती है या फिर कोई मतलब छोटी सी कंपनी होती हैं, वही लोग यहाँ पर आके अपना सेल कर रहे होते हैं। बड़ी कंपनियाँ आपको नहीं दिखेंगी यहाँ फार्मर मार्केट में, आपको छोटी छोटी सी, जैसे लोगों ने अपने होम बेस कंपनियां होती हैं, वही आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी। और ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा ये है डाउनटाउन ओरलैंडो, चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उसके बीच में एक पार्क है जिसके अंदर ये फार्मर मार्केट लगती है। तो थोड़ा सा आप ये नज़ारे उठाइए, देखिए ये भी एक इटालियन आइस करके है, तो ये यहाँ पर इटालियन आइस बेच रही है, मतलब आइसक्रीम से थोड़ा सा डिफरेंट होती है, वैसे ठंडी होती है ये, बिल्कुल वैसे ही फ्रोज़न होती है, मगर इसका जो टेस्ट है, जो मिल्क वाली आइसक्रीम है उससे बिल्कुल अलग होता है। इटालियन आइस अगर आप लोगों ने खाई होगी तो आप लोगों को आइडिया होगा। ये देखिए, लोग अपने डॉग्स वगैरह सब कुछ लेके आते हैं, सब अलाउड है, मगर डॉग अगर आप लेके आ रहे हैं तो आपको उसको बांध के रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप ऐसे खुले में डॉग आपने छोड़ दिया, तो यहाँ पर ऐसे इन्होंने साइन लगा रखे हैं कि भाई डॉग आप अलाउड है, मगर डॉग को आप अपने बिल्कुल पास में बांध के रखिए, क्योंकि वैसे यहाँ पे अमेरिका में जितने भी डॉग्स हैं उनको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, मगर पता नहीं चलता है कभी कभार कोई डॉग को बुरा लग गया तो भोंक के वो काट भी ले। तो वैसे मैं देखा नहीं कि कभी कोई डॉग काट रहा है, फिर भी हो रही कि यहाँ पे जनाब है अपना लगे हुए हैं मसाज करने में। तो ये मसाज ऐसे नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता, आपको लाइसेंस लेना होता है। जैसे इसने यहाँ पर अपना साइन लगाया हुआ है कि इसको लाइसेंस मिला हुआ है, लाइसेंस नंबर भी इसने कर रखा है, तभी आप ऐसे मसाज कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी आए और वो अपना स्टॉल लगा के मसाज करने लगे आए।
सर तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। ये एक मालिश वाला गाना था, मेरे को याद था पुराना, तो मैंने गा दिया आप लोगों के लिए। ये देखिए कुछ इंडियन ड्रेस बिक रही हैं यहाँ पे, सूट वगैरह टाइप में, तो चलो कुछ इंडियन देखने को यहाँ पे मिला है। बट अभी मैं देख रहा हूँ वहाँ पे दूर कुछ इंडिया का कुछ खाने का बिक रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप लोगों को तंदूरी आइटम पसंद है, तो मैं तो तंदूरी जब इंडिया में था काफ़ी ज़्यादा खाता था, यहाँ पे तो तंदूरी के नाम पे ये ऐसे करके जो ग्रिल होता है उस पर सेक देते हैं, मगर जो असली तंदूर होता है उसका तो टेस्ट अलग होता है। ये बंदे से अभी देखिए मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे को टेस्ट करा रहा है, ये कुछ वेजिटेबल्स इसने अपने जो फ्लेवर है तंदूरी उसमें, इस वाले फ्लेवर में इसने टेस्ट कराया था, अच्छा था, बट वो तंदूर वाली वो बात नहीं थी। इंडिया का जो तंदूर है वो सबसे बेस्ट होता है, वो जो पूरा मिट्टी वगैरह से बनाते हैं भाई, वो उसके अंदर जो खाना पकता है वो सबसे बेहतरीन खाना होता है, अपना नान वगैरह सब कुछ। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे खाने के आइटम ज़्यादा बिक रहे होते हैं। ये वाली जो संडे को मार्केट लगती है, यहाँ एक सैटरडे को भी ऐसे मार्केट लगती है कभी, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये देखिए कुछ फिश डिप्स करके हैं, तो जैसे कोई फ्लेवर वगैरह हैं, ये जैसे चटनी वगैरह टाइप के हैं, तो वो इनको टेस्ट करा रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी आपको खाने के आइटम मिल जाएंगे, और ये सब जैसा मैं बता रहा हूँ कि जैसे सब ये छोटी छोटी सी कंपनियाँ हैं जो लोग अपने घर से चालू करते हैं, और वो ऐसे यहाँ पे स्टॉल ले लेते हैं, वेंडर्स बन जाते हैं, और वो लोगों को टेस्ट कराते हैं और सेल करते हैं। जैसे ये भी एक लेडी है, ये देखिए कितनी अच्छी आर्टिस्ट है, और ये स्केच बना रही है, सिर्फ $10 में स्केच बना रही है, काफ़ी अच्छा है। मतलब ये यहाँ पे क्या है कि लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं, देखो स्केच बना रही है, ये नहीं है कि वो बोर कर रही हो, पूरा उनको बात करके फुल मतलब उनका टाइम पास भी कर रही है, कि बंदे मतलब बात करते रहते हैं यहाँ पे, कोई भी मतलब चुप नहीं बैठता है यहाँ पे। जैसे ही आप किसी से मिलते हो तो फुल गपशप चालू हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे काफ़ी टाइम से आप उन लोग उनको जानते हैं। अमेरिकन लोगों को जाना जाता है उनके फ्रेंडली नेचर के लिए, कि भाई ये लोग जब किसी से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होके मिलते हैं, काफ़ी अपनापन सा दिखाते हैं, तो इन यही अमेरिकन लोगों की यहाँ पे पहचान है। मैं जब भी मिलता हूँ, मैंने आप लोगों को कितनी वीडियो दिखा चुका हूँ अपने दोस्तों के साथ और भी लोगों के साथ, कितना हंसजुल के मिलते हैं। और ये देखिए एक सबसे अच्छी चीज़ इधर मेरे यहाँ पे, अपने गांधी जी, अपने भारतीय गांधी जी यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं। किसी इंडियन है जिन्होंने उनका स्टैचू लगाया हुआ है, तो थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने भी ये स्टैचू लगाया हुआ है। मेरे को बहुत अपनापन फील होता है यहाँ पे आके, जब भी मैं इस पार्क में आता हूँ और मैं यहाँ पे मतलब घूम रहा होता हूँ, तो मैं ज़रूर आता हूँ गांधी जी को नमस्कार करने के लिए। तो इंडिया का मेरे को कुछ ना कुछ अमेरिका में कहीं ना कहीं दिख जाता है, और जब भी दिखता है मेरे को इंडिया की कोई चीज़, तो बहुत प्राउड फील होता है कि अपना इंडिया अमेरिका में छाया हुआ है। तो यही अपनी इंडिया की पहचान है, और अपनी इंडिया अपनी जान है दोस्तों। और ये देखो ये ATM ये यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, कि भाई किसी को भी किसी तरीके के कैश पैसे निकालने हैं फटाफट निकाल सकते हैं। और ये ATM सिर्फ आज के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे ही ये फार्मर मार्केट बंद होगी तो उठा के ले जाएंगे इस ATM को। तो ऐसा है यहाँ पे, मतलब आपको हर चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएगी। जब भी कोई भी इवेंट करते हैं, जैसे ये फार्मर मार्केट चल रहा है, कोई भी छोटा मोटा फेस्टिवल है, किसी भी तरीके का कोई इवेंट होगा, तो सबसे पहले वो वहाँ पे फैसिलिटी के बारे में सोचा जाएगा कि लोग गाड़ी कहाँ पे पार्क करेंगे, और मतलब जैसे टॉयलेट वगैरह है वो कहाँ जाएंगे, जैसे पैसों के लिए ATM हो गया है, पानी पीने के लिए भी आसपास में कुछ फ्री का बंदोबस्त करते हैं, तो ऐसे ये चीज़ें मतलब सब फैसिलिटी देते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी मेरे को अच्छी लगती है, और आप लोग जितने कमेंट कर रहे हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने कमेंट करते हो, आइडिया देते हो, तो जैसे ये भी किसी ने मेरे को अभी दोबारा बोला था कि आप जाके फार्मर मार्केट की वीडियो बनाओ, तो मैं पहले भी बना चुका था 6 महीने पहले, बट मैंने सोचा कि ठीक है आप लोग बोल रहे हैं तो मैं वीडियो बनाता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस तरीके की वीडियो देखनी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं उस तरीके की वीडियो बनाने को। और काफ़ी लोग मेरे को जॉब वगैरह के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ सॉरी, मैं किसी की जॉब नहीं लगा सकता हूँ। मैं जब से वीडियो बनाने लगा हूँ हमेशा से मैं यही बता रहा हूँ आप लोगों को, कि मैं जॉब नहीं लगा सकता हूँ, मैं किसी का वीज़ा नहीं लगा सकता हूँ। मेरे को जितनी नॉलेज होती है मैं अपनी वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं दोबारा सॉरी बोलूँगा, मैं कभी किसी की जॉब और मैं वीज़ा नहीं लगवा सकता हूँ यहाँ अमेरिका का, तो आई एम सॉरी दोस्तों। मगर मैं इतना ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ जितनी मुझे नॉलेज है, मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों से शेयर करने की
जरूर कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ अगर कोई भी ऐसे कमेंट्स वगैरह कभी करे तो आप प्लीज़ उसको खुद ही रिप्लाई कर दो कि भाई वो जॉब नहीं लगा सकता है, उसने वीडियो में बोला हुआ है। काफ़ी सारे कमेंट आ जाते हैं दोस्तों। तो यही है, देखो कितना अच्छा फार्मर मार्केट इन्होंने बनाया हुआ है। और मतलब मैं तो इसको संडे बाज़ार इसलिए बोलता हूँ कि संडे को लगता है यहाँ पे, और भी है यहाँ पे मतलब सैटरडे बाज़ार भी एक लगता है, वो सैटरडे फार्मर मार्केट है, वो भी मैं आपको ज़रूर देखता हूँ। अगले मैं सैटरडे को अगर टाइम मिलता है तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर बन रहे हैं बर्गर शर्गर भाई, एकदम फ्रेश। किसी को खाना है तो भाई बताओ, जैसे अपने इंडिया के अंदर हर चीज़ तंदूर में बन रही होती है, ये यहाँ पे आप देखेंगे अमेरिका में इस तरीके के ग्रिल होते हैं, उस ग्रिल पे आप देखेंगे कि ऐसे फार्मर मार्केट या खुले में खाना बन रहा होता है। तो ये इन लोगों के लिए ईजी होता है, जैसे कोयला, चारकोल या फिर गैस के नीचे का सिलेंडर लगा देते हैं छोटा सा और बना देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलो यार, आप लोग एक लाइक करते हो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, और कमेंट करके बताओ और किस टाइप की आप लोगों को वीडियो देखनी है। और मैं जल्द मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप मेरे को इंस्टाग्राम शंटी ड्रीम्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, हर संडे को मैं लाइव आता हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आई लव यू, बाय, टेक केयर।